ये जो है सारे ये सड़कों पे मरे तो गुलाम स... तो तभी रहेंगे ना सर गुलाम तो नहीं फिर बन पाएंगे अगर ये सही एजुकेशन ले, ले लेंगे ले, बिल्कुल लेकिन बात क्या है आपके कंट्री के अंदर आपके कंट्री के अंदर केजरीवाल पैदा क्यों नहीं हो रहा आपके कंट्री के अंदर मोदी क्यों नहीं पैदा हो रहा ये बहुत बड़ा सवाल उन दोनों चीजों में क्या है नेशनलिज्म करने की ख्वाहिश है

हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिलेशन पे तो ये, तो ये तो तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे जय हिंद जय भारत तो आरजू इस वक्त तीन करोड़ बच्चे आपके स्कूल नहीं जा रहे और अगले दिन एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम किया है पाकिस्तान के बिलागर ने आपकी आपके मांगने वालों पर भिकारियों चौबीस करोड़ आबादी है सात करोड़ है उसमें से तो ये मैं दोनों की बात कर रहा हूं तीन करोड़ तो स्कूल बच्चे नहीं जा रहे चार करोड़ भिकारी है उन्होंने अदादोशुमार बताया उन्होंने कराची के अंदर एक भिकारी जो है दो हजार रुपया डेली बेस पे कमाता है साठ हजार महीने का और और आपको पता है कि आपके है इस वक्त और आपके, आ, आपके आई -टी के बच्चे जो है, मास्टर डिग्री के बाद 25, 30, 35, से उसके बाद जो उन्होंने दूसरी बात की कि दूसरा नंबर आता है लाहौर का। लाहौर पे भी जो तकरीबन पंद्रह सौ रूपया नौ हजार रुपया नौ तो सौ रुपया डेली कमाता है नौ सौ रुपया इस्लामाबाद के अंदर कमाता है फिर ये प्रोडक्ट पहले आप दहशत गर्दी इंपोर्ट करते रहे आज आ, आज कल आप भिखारी इंपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया आपके कदमों पर पढ़ के आपसे माफिया मांग रहा है कि ये भिखारी ना भेजो और अनस्किल्ड लेबर भी ना भेजो ये माफी मांग रहे हैं आपसे अनस्किल्ड लेबर क्या है क्या उसकी वजह यह है कि आपने इंग्लिश के साथ आपने बाइकाट किया है आपके जब यहां पे गोरा था तो उन्होंने आपके मौलवियों ने फतवे दिए कि थे कि इंग्लिश पढ़ने से आप काफर हो जाएंगे उसके बाद आपने आप आपने इंग्लिश इंग्लिश के आपसे से ऐसा मुंह मोड़ा है कि आज तक भी आपके आपका ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट मुर्शिद पाक भी पाकिस्तान में इंग्लिश मीडियम स्कूलों के खिलाफ था अपने बच्चे आज भी खुद ऑक्सफोर्ड का वाइस वाइस चांसलर चा, 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 बनना चाहता है लेकिन पाकिस्तान वो कहता है कि निसाब उर्दू में साहब अपने बच्चे वो कहते हैं ऑक्सफोर्ड में पढ़े यहाँ ये जो है सारे ये सड़कों पर मरे तो गुलाम स... तो तभी रहेंगे ना सर गुलाम तो नहीं फिर बन पाएंगे अगर ये सही एजुकेशन ले, ले लेंगे ले, बिल्कुल लेकिन बात क्या है आपके कंट्री के अंदर आपके कंट्री के अंदर केजरीवाल पैदा क्यों नहीं हो रहा आपके कंट्री के अंदर मोदी क्यों नहीं पैदा हो रहा ये बहुत बड़ा सवाल है निशान उन दोनों चीजों में क्या है नेशनलिज्म है नेशनलिज्म सर्व करने की ख्वाहिश है सर्व करेगा मेरे मेरे जो बिजनेस पार्टनर दोस्त मेरे जाके केजरीवाल से मिलके एक दफा आए तो जो तस्वीर बनाई मैंने तस्वीर में देखा उन्होंने नीचे चप्पल पहन रखी प्लास्टिक की चप्पल थी केजरीवाल के लोग खिलाफ है लोग बातें करते हैं शायद ये ड्रामा करते हैं आप ड्रामा क्यों नहीं कर लेते आप प्राडा के जूते और रोलेक्स जो है आप अगर जाके देखें आपके लीडरान के मुंह पर तमाचा है पच्चीस करोड़ लोगों के

मेरे मुर्शद पाक ने अगले दिन क्या भूख हड़ताल की जाए भूख हड़ताल क्या थी लंच से डिनर तक का वक्फा जो है वो भूख हड़ताल है तो हाँ। आप भी कर, करें तो सही देखें तो सही ना हो सकता है आप ठीक हो जाए इससे कुछ आपका आपका लीडर अगर ड्रामा करे हो सकता है वो ड्रामा पॉपुलर हो जाए इस वक्त मुझे ये बताएं कि चार करोड़ भिकारी हैं जो एक एक कारोबार है भीख मांगना आपके पास पहले दहशतगर्दी को कारोबार बनाए रखे आज आपने भीख मांगना कारोबार बन चुका है

आपके आपने दो ही चीजों के जरिए तीसरा खतरा हर वक्त आप जिहादिहा नारे लगाते हैं तो गोरा जाता है, कहता है यार इनके पास तो अटामिक पावर भी है और ऊपर से यार ये तो जिहाद की बातें कर रहे हैं यार ये जिहादी है हम जिहादी कहाँ है हम तो जिहादी है नहीं है हम तो इमरान खान के जलसे में नच करता है इस पर नाचते हैं सारा दिन

अब अब किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं इनसे ही कुछ सीख लें मुर्शद पाक से ही सीख लें इन्होंने दुनिया पाकिस्तान के लिए तो कुछ नहीं है किया यह बताना चाहूंगा अपने के लिए अपने लिए क्या किया ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनने के लिए लाबी फर्मे हायर हो चुकी है लंदन में अमेरिका के अंदर लाबी फर्मे हायर हो चुकी है जिनको करोड़ों डॉलर दिए जा रहे हैं कांग्रेस मैनों को खरीदने के लिए एक सौ सैंतीस एक सौ सैंतीस उसके बाद भी कई आर्टिकल छप चुके हैं जो सारे पैसे देखे चुके हैं इन से यह सीखें कि पाकिस्तान के लिए लाभी क्यों नहीं हो रही है लाभी किस खूबसूरती से कर रहे है? उसके लिए कर, देखे, इतनी लाबी है, इतनी है है दुख के साथ मैं ये कहूंगा अगले दिन जीन मैरियट आपकी हाई कमिश्नर है बरतानिया की वो खास साहब के लिए लाबी कर रही है पाकिस्तान के अंदर मिल रही है मिन्तें कर रही है जनरल फैज के लिए जीन मैरियट जो है वो मिन्तें कर रही है लोग देखें कितना कितने, कितने सक्सेसफुल कभी इन्होंने सोचा पाकिस्तान के लिए मुबारकबाद क्या है दुबई और लंदन के लिए फंड आने वाले हैं आपके फंड आएंगे आप दुनिया से मांगेंगे यूनाइटेड नेशंस को कहेंगे एम पार्कस आ गया भाई बचाओ हमें और पैसा सब लंदन और दुबई में जाएगा जो कि माजी के अंदर आपने सैलाब हो जलजला हो

कि जब भी मानसून आता है जब भी बारिशें होती हैं सिंध के अंदर सैलाब आता है और उसको उसका था था अगले दिन के अंदर ये स्टोरी छपी है था, की उसकाने वो क्या थी पैंतालीस अंडर एज बच्चियों से शादियां की जानी थी जितने उस एरिए के आस पास हमारा लोग पैसे वाले होते हैं वहां बच्चियां खरीदने चले जाते हैं और जो लोग सैलाब से लुट चुके होते हैं उनकी बच्चियों से शादियां बनाते हैं ये इस्लामी पाकिस्तान मूनसून की दुल्हने 45 कम उम्र बच्चियों की शादियां रोकी है वहां कमिश्नर ने और दूसरे लोगों ने मिलकर चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया है और ये स्टोरी दो से बाईस से चल रही है हर साल जब सलाब आता है मूनसून का तो वहां मूनसून की दुल्हने बिकती हवा की बच्चियां बिकती हैं वहां जानवर खरीदते हैं उन बच्चियों को मेरी समय से बाहर है कि हम कहा जा रहे हैं इराक के अंदर उन्होंने रेजोल्यूशन असेंबली में पेश कर दिया है कि नौ साल की बच्ची से शादी करना लीगलाइज किया जाए ये क्या है लेकिन पूछना ये क्या है, है? इंसान किस तरीके से जानवर बन जाता है और हम इससे बाय नॉट मूविंग फॉरवर्ड लेकिन आज... गवर्नमेंट ने एक्शन तो लिया इनको रोकने की कोशिश तो की है उसकी डॉक्यूमेंट्री तो आर्जू नहीं पैंतालीस बच्चियां तो रुकी हैं ना पैंतालीस शादियां रुकी हैं पता नहीं कितनी सैंकड़े ये तो, ये तो कि लगाकर बैठे हैं ट्वेंटी फोर में, में मैं तीन अलबियात आपके सामने रखने की कोशिश की इस ब्लॉग में किस तरह महबूब हुसैन को एक पंजाबी होने पर मारा गया जो छह बच्चों का भाव है किस तरीके से बंगाली हिंदुओं को मारा जा रहा है धर्म भेज पे जाके और तीसरी मैंने बात की है सैलाब से लुट जाते हैं तो किस तरह जानवर इकट्ठे खरीदते हैं मंडी ले के तमाचा नहीं, तो क्या है किस तरह आप कहेंगे जानवर भी ऐसे नहीं बिल्कुल ऐसा ही लेकिन सर जाते जाते जरूर कहूँगी हो सकता है आपको पता ही हो कि कराची में कोई मॉल नया बना और उसको उन्होंने लॉन्चिंग में कहा कि जी डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे और लोग गए उन्होंने वैसे ही लूट लिया पूरा मॉल

सिर्फ पीटीआई की है और कोई फैसला नहीं किसी किसी के लिए कोई ना थाना है, ना जेल है। आपने, आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि आपने सेवन स्टार जेल बनाई है डेला जेल जहां जहां राने भी पकती है एक्सरसाइज भी होती है डेली मुशायरे हो रहे हैं डेली देल, लतीफे भी दरबार सजता है डेली बेसिस पे और वहीं से बैठ के 140 आर्टिकल लिखा गया है वहीं से बैठ के अंदर से हर चीज आपकी हो रही है सिर्फ आपने आपकी अचीवमेंट ये है आपने सेवन स्टार जेल बनाई है पाकिस्तान में इसके अलावा कुछ भी नहीं बनाया दहशत गर्दी भी बेचते रहे हैं और आप अब आप, बेकारी आप बन चुके हैं दुनिया डर रही है आपसे घबरा रही है आपसे कि आप जहां जाते हैं मांगते हैं आप सऊदी अरेबिया डर रहा है और आप देख लें आपने ना हरम शरीफ छोड़ा है वहां पे अगले दिन आपका पीटीआई क्या लौटा लपड़ा वहां उसने के साथ क्यों? हर हरम के ऊपर उसने पीटीआई का पोस्टर रख के वीडियो बनाई उसको पकड़ा गया है वो फिर छोड़ दिया गया है पता नहीं क्यों छोड़ दिया गया है क्या मजा है आपने हरम को भी नहीं छोड़ा यार उसके ऊपर भी पीटीआई रख दी जामिक नहीं हूं लेकिन ये इसी यही है कि एक मजहब को आपने दुकान बना दिया है गलत किया है पर लेकिन चलें वो तो एक छोटी सी बात है लेकिन जो मैं तीन मसले मैंने आज डिस्कस करने थे मैं शर्मिंदा हूं इस चीजों पे कि आज भी मैं अभी 1947 पे रोता हूं रोज बैठ के लेकिन आप रोजाना 1947 करते हैं आज आप बांग्लादेश के हिंदुओं को मार रहे हैं आप कि वो हिंदू हैं वो आज आप आप पंजाबी होने पे मार रहे हैं आज आप सैलाब से बचे हैं तो उनकी बच्चियां खरीद रहे हैं आप और दिस कौन सा है 2024

साझे ताडा साहब के पॉजिटिव व्यूज हमारे देश भारत को लेके तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लाते रहे और एक बार मैं फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आप जरूर आवाज़ उठाएं और अपनी सपोर्ट दिखाएं तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत